दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सपना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमरेलिस लिली प्लांट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ दो पॉट में एमरेलिस लिली प्लांट है। इसे आप छोटे गमले में लगाएं या बड़े गमले में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप भी देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इसे कितने छोटे से पॉट पर लगाया हुआ है, ये देखिए। और इसमें मैंने चार बल्ब लगाए थे, चारों बल्ब उग कर अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आप इसे कैसे अपने घर पर उगा सकते हैं और इसका। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो में आपको इसका बल्ब निकाल कर दिखाऊंगा कि इसका बल्ब किस तरह का होता है और ये कैसे ग्रो करता है। ये देखिए, मैंने इसे शायद इसमें जड़ छोड़ दी है, इसलिए इसे निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे। फिर भी इसे निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा ही। ये देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स जो है निकल आई थी, कुछ ही दिन में पत्तियां निकालना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये इस प्लांट के बल्ब्स हैं जिससे क्या है, हम पौधा तैयार करते हैं। इसमें रंग बिरंगे कई तरह रंगों के फूल आते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। आपको बस क्या करना है, मार्केट से इसे इन बल्ब को परचेस करके लाना है और इसे लगा देना है अपने जो भी आपके पास अवेलेबल प्लांट है या गार्डन है, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे ज़मीन पर लगाते हैं तो ये और भी अच्छा ही रहेगा। मेरे पास तो यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सारे पौधों को अपने इन गमलों पर ही उगाता हूँ। तो आप देखिए, इस बल्ब को क्या करना है, इस बल्ब को मिट्टी पे वापस गड़ा देना है। जैसे कि मैं भी गड़ा देता हूँ। मिट्टी कैसी लेनी है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको रेतीली मिट्टी यूज करना है, रिवर सैंड के। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है तो आप उस पर रिवर सैंड मिक्स करिए, रेत मिक्स करके ही आप इसे लगाएं ताकि इसकी जड़ों को फैलने में ज़्यादा समय ना लगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है। ज़्यादातर ये प्लांट जो है फूल ही देता है, इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार की होती हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी लीव्स हैं, कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ फीट के आसपास है इनकी लंबाई। तो खूबसूरत पौधा है, आप इसे अपने सीढ़ियों पर इस तरह सजा कर रख सकते हैं या फिर आप इसे किसी टेबल पर भी रख सकते हैं। कुछ समय के लिए आप इसे इनडोर भी रख सकते हैं, आप जैसे चाहें इस पौधे को वैसे रख सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा फूल देता है। आप इसे फरवरी मार्च के आसपास लगाएं कि जून जुलाई तक सर्वाइव करता रहेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन प्लांट है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी इसकी पत्तियाँ होती हैं। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें, इंडोर आप इसे बिल्कुल ना रखें, इंडोर ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप इसे हमेशा खुली धूप पर ही रखें। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख ही चुके हैं, मैंने इसका बल्ब निकाल के आपको दिखाया था कि आपको इसे कैसे लगाना है, मिट्टी कैसी यूज़ करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन प्लांट है, बहुत सारे फूल देगा आपको और जो कलरफुल होंगे, जिससे क्या है आपकी बालकनी में अगर ये फूल लगे हुए हैं तो आपकी बालकनी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।